नमस्कार, मैं हूं आरके रैना। आप देख रहे हैं हेल्थ कोच। हमारे देश में करीब 4 करोड़ से ज्यादा बवासीर या पाइल्स के रोगी हैं और इनका आंकड़ा बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। सबसे बड़ा कारण हमारा लाइफस्टाइल। इस विषय पर हमने कई कार्यक्रम करे और खास तौर से डॉक्टर एस के सिंह के लिए इतनी कॉल्स आई और इतने प्रश्न आए, हमें उनको एक बार फिर कष्ट देना पड़ा और उनको बुलाना पड़ा। आज वो हमारे साथ स्टूडियो में एक बार फिर से बैठे हैं। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि डॉक्टर एस के सिंह हमारे देश के जाने माने आयुर्वेदिक कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर साहब एम एस आयुर्वेदा हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। डॉक्टर एस के सिंह नेशनल अकेडमी ऑफ आयुर्वेदा के मेंबर हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कई अवार्ड इनको मिल चुके हैं। डॉक्टर एस के सिंह आजकल डायरेक्टर और हेड हैं सुश्रुता एनो रेक्टल इंस्टीट्यूट के। 30 साल का अनुभव और डॉक्टर साहब ने कई जाने माने हॉस्पिटल्स में अपनी सेवाएं दी हैं, जिसमें दिल्ली का मशहूर हॉस्पिटल मूलचंद भी शामिल है। डॉक्टर एस के सिंह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कॉन्फ्रेंसिस में एज स्पीकर भी जाते हैं। इससे पहले कि मैं ये प्रोग्राम शुरू करूं, मैं डॉक्टर साहब को दिल से बधाई देना चाहूंगा कि अभी रिसेंटली उनको हमारे उपराष्ट्रपति के हाथों चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड मिला। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपके शो में। सबसे पहले तो जब मैं कह ही रहा था आपको इतना बड़ा सम्मान मिला है हमारे उपराष्ट्रपति के हाथों। जो जूरी मेंबर थी वो हमारे माननीय बालाकृष्णन जी उसके हेड थे, जो चैंपियंस ऑफ अवार्ड के जो सिलेक्ट जूरी थी उसमें माननीय बालाकृष्णन जी उसके हेड थे। अच्छा, आपको आज फिर हमें कष्ट देना पड़ा, आप इतने बिजी थे। हाँ जी, तो बताइए। लेकिन इतने सवाल हैं लोगों के, मैं सारे सवाल और सारे नाम नहीं बोल सकता अभी। तो जितने ज्यादातर लोगों के सवाल थे उनके ग्रुप बना के मैंने 4-5 क्वेश्चन आज रखे हैं। तो सबसे पहले जो सर प्रश्न है, जो काफी बाहर के लोगों ने भी हमसे किया है, वो है कि क्या फिस्टुला खुद ठीक नहीं हो सकता? कोई दवाई दें या कोई एंटीबायोटिक कुछ ट्रीटमेंट ले, उससे ठीक नहीं हो सकता? देखिए रैना जी, ऐसा है कि फिस्टुला एक इन्फेक्टिव डिसऑर्डर है। इसमें है ना, एक बॉडी टिश्यूज के अंदर इन्फेक्शन होता है और वो इन्फेक्शन एक ट्रैक, जैसा मैंने पहले ही बताया था, इसमें एक चैनल बन जाती है, उस चैनल के अंदर इन्फेक्शन परसिस्ट करता है। अगर हम उसको चाहें कि एंटीबायोटिक से ठीक कर लें या अपना खान पान दुरुस्त करके ठीक कर लें, तो वो यूजुअली संभव नहीं है। अच्छा, उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा। पड़ेगा, हाँ, उसमें उसको अपने आप ये ठीक नहीं होता है। अच्छा, कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं मुझे लग रहा है वो तैयार बैठे थे कि ना सर्जरी करेंगे ना कोई ट्रीटमेंट करना है, तो वो पूछ रहे हैं अगर हमने अनट्रीटेड छोड़ दिया इसको तो जी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये फिस्टुला एक ऐसी प्रॉब्लम है कि इसमें मरीज को, पेशेंट को कोई ऐसी स्थिति, कभी भी ऐसी स्थिति यूजुअली नहीं पैदा होती जिसमें वो बहुत तेज दर्द हो या बहुत ज्यादा कोई ऐसी प्रॉब्लम हो। इसमें इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन परसिस्ट करता है ट्रैक के अंदर, वो एक स्वेलिंग बनती है, बाहर आके फुंसी बनती है, वो फुंसी फूट करके निकल जाती है, पस निकल जाता है, फिर वो कुछ दिन के लिए ठीक हो जाता है। पेशेंट सोचता है कि भाई मेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई है, लेकिन ये सिलसिला चलता रहता है, इन्फेक्शन का होना, पस का बनना और फिर वो फूट करके निकल जाना। कभी कभी ऐसा होता है कि इन्फेक्शन निकल नहीं पाता है और वो स्वेलिंग बढ़ जाती है और एक एब्सेस का फॉर्म ले लेता है। जब एब्सेस बन जाता है तब पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होता है और उस स्थिति में वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर भी यूजुअली उसमें इमरजेंसी में एक चीरा लगा के पस को ड्रेन कर देते हैं और पेशेंट रिलीफ मिल जाता है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं जाती है। तो मैं यही चाहूंगा कि अगर पेशेंट्स हैं तो उनको ये प्रॉब्लम है उसको अनट्रीट ना छोड़ें, आप अपने किसी विशेषज्ञ से मिलें जरूर, उससे बात करें। हाँ बिल्कुल, इसमें आप ये सोच करके कभी ना चलें कि इसमें प्रॉब्लम नहीं है और ये थोड़ा सा पस होता है निकल जाता है तो इसको ऐसे छोड़ दें, ये ऐसा ऐसी धारणा नहीं रखनी चाहिए क्योंकि आगे चल करके फिर कॉम्प्लिकेशंस पैदा और बढ़ सकती होती है। तो डॉक्टर साहब मैं पर्सनली जानना चाहूंगा, मतलब अगर अनट्रीटेड छोड़ दिया तो इन्होंने इलाज नहीं करवाया तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है? एक तो हमने इनको सारे जितने व्यूवर्स हैं देख रहे हैं उनको चाहिए कि डॉक्टर साहब को एक मैसेज दिया हमने कि आपको किसी भी सूरत में डॉक्टर साहब के पास जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर उन्होंने छोड़ दिया तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है सर, ये बताएं। देखिए कॉम्प्लिकेशंस इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप इस फिस्टुला के रोगी अगर इसको अनअटेंडेड अनट्रीटेड छोड़ते हैं तो एक तो यह है कि इसको बीमारी के बढ़ने के चांसेस रहते हैं। इनिशियली इन्फेक्शन एक जगह होता है, वो इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, गहराई में जा सकता है। तो जो फिस्टुला शुरू में एक लो एनल फिस्टुला था वो बाद में हाई एनल में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद में रिकरेंट एब्सेस फॉर्मेशंस, बार बार एब्सेस बन सकता है उसमें। तीसरा क्या है कि बहुत ऐसे कुछ ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जिसमें कि अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया कुछ सालों तक, अगर आपने उसको बिल्कुल मेंटेन नहीं किया तो कई बार उसमें कैंसर वगैरह के चेंजेस भी, मैलिग्नेंट चेंजेस भी आ सकते सकते हैं, चांसेस हैं। रहते हैं। तो इसलिए सलाह तो यही है कि समय रहते है, आप इसका इलाज कीजिए, क्योंकि अगर सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर आपने टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं लिया तो जब ये गहराई में चला जाता है और थ्रू मसल्स डीप चला जाता है, दैट इज वी कॉल्ड हाई एनल फिस्टुला, फिर उसके ट्रीटमेंट में बहुत प्रॉब्लम आती है, अच्छा। समस्या हो जाती है बहुत बड़ी।
इसलिए समय रहते इलाज आवश्यक है। डॉक्टर, ज़्यादातर पेशेंट्स की जो मेरे पास कॉल्स आई हैं वो बहुत ऑपरेशन अवॉइड करना चाहते हैं, उनको डर लग रहा था ऑपरेशन का। वो कह रहे हैं कि क्या ऑपरेशन के बिना भी फिस्टुला का इलाज हो सकता है? फिस्टुला एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें बहुत सारे हमने मतलब मेडिकल साइंस ने इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन किया है। जी पहले हम सर्जरी करते थे, सर्जरी दैट इज फिस्टुलेक्टमी। सर्जरी में क्या करते हैं कि फिस्टुला के उतने पार्ट को हम काट के निकाल देते हैं, तो काट के निकालने के बाद भी अप्रोक्सीमेटली 20% केसेस में ये दोबारा हो जाता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि सर्जरी में कई बार मसल, अगर स्फिंक्टर मसल्स जो एनल कैनाल को कंट्रोल, जो अच्छा, उसका मोशन को कंट्रोल करती हैं कॉन्ट्रैक्शंस के थ्रू, वो डैमेज हो जाती है, तो पेशेंट स्टूल रोकने की ताकत कमजोर पड़ जाती है। वी कॉल इट इनकॉन्टिनेंस। अगर मोशन लूज वगैरह होता है तो पेशेंट्स को कंट्रोल नहीं कर रोक नहीं पाते हैं, पाएंगे। हाँ रोक सही नहीं बात, पाते हैं। वो बड़ी तो कॉम्प्लिकेशन है। ये एक तो ये कॉम्प्लिकेशन था सर्जरी में। जी फिर अभी लेटेस्ट अभी आप क्या कर रहे हैं, फिर देन एक ग्लू टेक्निक आई जिसमें हम उसको कुछ ग्लू इंजेक्ट करके उसको ट्रैक को सील करने की कोशिश कोशिश करते करते थे। हैं। फिर अभी वाफ्ट चल रहा है, दैट इज वी कॉल इज वीडियो असिस्टेड एनल फिस्टुला ट्रीटमेंट, ऑल्सो नोन एज माफ्ट, मिनिमल एनल फिस्टुला ट्रीटमेंट। इसमें भी ट्राई किया जा रहा है, बट इनिशियली ऐसा कहा जाता था कि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे, लेकिन अभी आज की डेट में अराउंड 20% फेलियर्स इसमें भी देखे अब गए। देखे गए हैं। देन लेजर आया, लेजर में भी 20% अप्रोक्सीमेट 15-20% के फेलियर्स हैं। तो अच्छा सर्जरी, और सर्जरी में क्या है कि अगर इफ यू टॉक अबाउट सर्जरी फिस्टुलेक्टमी, तो रोगी को काफी समय तक बेड पे रहना, उसकी ड्रेसिंग्स पैकिंग्स, एंड इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसीजर। तो अच्छा, और एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये सब करने के बावजूद जब रोगी को दोबारा प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर ये इज नॉट ए गुड चॉइस, तो लगता है कि सर्जरी नहीं करानी हमारे चाहिए। पास भी कई ऐसे सवाल हैं सर, जो 2 बार 20 सर्जरीज करा के फिर रिलैप्स केसेस था, तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए? देखिए मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आपको सर्जरी की इन एनी टाइप ऑफ एनल फिस्टुला, वेदर इट इज हाई और लो एनल फिस्टुला, वन शुड नॉट गो फॉर सर्जरी। सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है, और इसमें आयुर्वेद का एक बहुत ही प्रभावशाली चिकित्सा है आयुर्वेद की, वी कॉल इट, जिसको हम क्षारसूत्र क्षारसूत्र, चिकित्सा कहते हैं। ये एज ओल्ड ट्रस्टेड प्रोसीजर है फिस्टुला ठीक करने का, और साइंटिफिकली भी ये वैलिडेट हो चुका है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, और एम्स में और पीजीआई चंडीगढ़ जैसे अनेक चिकित्सा संस्थानों में संस्थान इस है। पे रिसर्च किया, एंड दे फाउंड, उन्होंने ये पाया कि क्षारसूत्र चिकित्सा फिस्टुला के रोगियों में सर्जरी से, मतलब शल्य चिकित्सा या सर्जरी से अधिक कारगर भी है और कारगर इजी भी है। तो आप यू गो फॉर क्षारसूत्र चिकित्सा, जिससे ये पूरी तरह ठीक हो जाता है और ये कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होती हैं। तो क्षारसूत्र की बात चली है, तो उसमें भी कई सवाल हैं हमारे दर्शकों से, जानना चाहते हैं कि एक्चुअली ये प्रोसीजर होता क्या है जी और ये सर्जरी से कैसे भिन्न है। ठीक है, क्षारसूत्र चिकित्सा मैं अपने दर्शकों को बता दूं, इसमें कोई, ये एक नॉन ऑपरेटिव प्रोसीजर है, कोई किसी तरह की चीरफाड़ नहीं होती है, रोगी को भर्ती करने की जरूरत नहीं होती है, और इलाज के फर्स्ट डे से ही रोगी अपने दैनिक कार्य, ऑफिस जाना, घूमना फिरना, वो सब कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है फिस्टुला के ट्रैक को आइडेंटिफाई करना। यू हैव टू वेरी एक्यूरेटली यू हैव टू आइडेंटिफाई कि फिस्टुला कितना गहरा है और क्या उसका ब्रांचिंग पैटर्न है। जी उसके लिए हम एमआरआई फिस्टुलोग्राम करा लेते हैं, या थ्रू प्रोबिंग ऑल्सो हम उसको गहराई को उसको देख लेते हैं, और एक बार यह सर्टेन हो जाए कि फिस्टुला की गहराई कितनी है, क्या इसका ब्रांचिंग पैटर्न है, देन वी गो फॉर दिस प्लेसमेंट ऑफ क्षारसूत्र, जो कि जिसमें कि को बहुत ज्यादा मतलब जनरल एनेस्थीसिया वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, अंडर लोकल एनेस्थीसिया, या सिर्फ उतना हिस्से को सुन करके और कुछ विशिष्ट उपकरणों की मदद से उस क्षार सूत्र या मेडिकेटेड थ्रेड को उस ट्रैक के अंदर प्लेस कर दिया जाता है। इसमें करीब मेरे ख्याल से 25-30 मिनट का टाइम लगता है, हाफ एन आवर का पेशेंट को उसके बाद रेस्ट करना होता है, एंड देन आफ्टर दैट पेशेंट इज फ्री, फिर अपने घर जा सकते हैं। तो इस तरह से ये होता है, और इसमें कोई ऐसा कोई ब्लीडिंग वगैरह या पेन वेन की कोई कॉम्प्लिकेशन होती नहीं है। होती नहीं। ज्यादातर जो पेशेंट्स वो जानना चाहते हैं कि इसमें कितनी सिटिंग्स आती हैं, क्या एक ही बार वो क्षारसूत्र करना पड़ता है या रिपीटेडली होता है वो सिटिंग में, जी उस हिसाब ठीक से बात है, कितना हाँ फिर खर्चा वगैरह हाँ आता है वो कहेंगे ऐसे पेशेंट्स से। बिल्कुल। देखिए इसमें जैसा मैंने बताया, हमने एक बार थ्रेड प्लेस कर दिया, जी अब आप पेशेंट अपना काम करते रहते हैं, वो थ्रेड की मेडिसिन ग्रेजुअली उसके अंदर ट्रैक के अंदर रिलीज होती रहेगी और ट्रैक को क्लीन करती रहती है। रहेगी। दिस मेडिसिन, ये जो है, दिस वर्क्स फॉर 5-7 डेज, 5 से 7 दिन तक ये दवाई एक्टिव रहती है ट्रैक के अंदर, और 5-7 डेज के बाद में मेडिसिन खत्म हो जाती है, तो पेशेंट को वो थ्रेड चेंज कराने के लिए करने आना पड़ते होता हैं। है। वीक 10 डेज पे पेशेंट को आकर के अपना थ्रेड चेंज कराना होता है।
जो पेशेंट्स बाहर से आते हैं, ओवरसीज, मतलब बाहर के काफी पेशेंट, सारे दूसरा पेशेंट्स दूसरे हैं देशों बाहर से के, आते हैं, कॉल्स हैं। और ओवरसीज पेशेंट्स हैं बाहर के लोगों में, जी तो उनमें हम क्या करते हैं, उसमें मेडिसिन हम ओवरलोड कर देते हैं, और ऐसे लोग जो है वो 3-4 वीक्स पे भी अपना थ्रेड चेंज कराने के लिए आ सकते हैं, या दिल्ली से बाहर के लोगों को भी हम 15-20 दिन में बुलाते हैं। वो थ्रेड की मेडिसिन की जो कोटिंग है वो उसको इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझसे पूछा था कि हम दिल्ली से बाहर रहते हैं तो हम क्या करें, हम बार बार वीकली सिटिंग्स नहीं कर सकते हैं। उसमें डॉक्टर साहब ने आपको सही जवाब दिया है कि आप लंबी उसमें सिटिंग ओवरडोज करके भी हाँ लंबी सिटिंग दे सकते हैं। हाँ सर, तो अभी आपने जो पूछा कि कितनी सीटिंग्स लगेंगी, आपका हाँ क्वेश्चन था कि ये कितनी था। सीटिंग्स लगेंगी। देखिए, इसमें जो हीलिंग रेट होता है वो 0.5 to 1 सेंटीमीटर पर सीटिंग है, हर सीटिंग में ये आधे से 1 सेंटीमीटर भरता हुआ आता है। तो जो फर्स्ट सीटिंग होती है उस समय हम थ्रेड की ट्रैक की लेंथ को मेजर कर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली से, अगर आपका ट्रैक का लेंथ अराउंड 5 सेंटीमीटर्स है तो दैट मीन्स आपको अप्रोक्सीमेटली 8-10 बार मेरे पास वीकली विजिट्स के लिए आना आना पड़ेगा। पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब इसका इलाज का खर्चा कितना आता है, क्योंकि मुझे मालूम है सर्जरी के तो बहुत एक्सपेंसेस आते हैं, रुकना भी पड़ता है, फिर जी पोस्ट सर्जिकल जो आपका ट्रीटमेंट वो भी रहता है, तो ये क्षार सूत्र में कितना खर्चा आता है आमतौर से पेशेंट का। देखिए, क्षारसूत्र में जहां तक चार्जेस की बात है, सर्जरी से तो कम ही खर्चा आता है, जी डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट वो जी यूजुअली चार्ज किया जाता है। यहाँ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। बदलती लाइफस्टाइल में बीमारियों से कैसे रहें दूर और कैसे रखें अपने आप को एकदम फिट, जानने के लिए देखना न भूलें आरके रैना के साथ कार्यक्रम हेल्थ कोच प्रत्येक रविवार रात्रि 10 बजे से सिर्फ दिशा टीवी पर। स्वागत है आप सबका। ब्रेक के बाद हमारी चर्चा जारी है डॉक्टर एसके सिंह के साथ। डॉक्टर साहब, काफी पेशेंट ने ये भी सवाल किया है कि उनको कैसे समझ में आएगा कि ये पाइल्स नहीं है, ये फिस्टुला फिस्टुला कह ही रहे है, हैं, तो राइट। इसमें क्या डिफरेंस होती है पाइल्स और फिस्टुला, एक बार फिर बता देखिए, दीजिए। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि गुदा रोग में 3-4 बीमारियां हैं, दैट इज पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, तीन तो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। तो अब और इन कॉमन प्रॉब्लम्स को आम जनता में या पब्लिक, ज्यादातर लोग इसको बवासीर का नाम देते हैं कि सबको पाइल्स ही सबको बोलते हैं। कॉमन, हाँ ये हाँ सही ये है, बड़ा पाइल्स या कंफ्यूजन बवासीर है। है, बट ये चारों तीनों चीजें पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, ये तीनों अलग अलग हैं। पाइल्स में मैं एक बार याद दिला दूं आपको, पाइल्स में फिर पाइल्स में प्रधानतया ब्लीडिंग का होना, मतलब मल त्याग करते समय या मोशन के समय जो ब्लड आता है, नंबर वन उसका होना, और कई बार उसमें गुदा के आसपास छोटे छोटे मसों का होना जो फूल जाते हैं, जी वो मस्से बाहर की तरफ हो सकते हैं जिनको हम एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं, या वो मस्से मल त्याग के समय अंदर से बाहर आते हैं, और कभी कभी वो शुरू में अपने आप अंदर चले जाते हैं, कई बार रोगी को जब वो अवस्था बढ़ जाती है तो रोगी को अपने हाथ से पुश करने पड़ते हैं जिससे वो अंदर चले जाए, तो दे आर नोन एज इंटरनल पाइल्स। तो ये देखा आपने, मसलों का होना और उसके साथ ब्लीडिंग का होना, ये प्रधान लक्षण है पाइल्स का, और वो मैंने बता दिया आपको, एक्सटर्नल होता है, इंटरनल होता है। और एक चीज और याद दिला दूं, कभी भी इंटरनल पाइल्स में जब मसे बाहर आते हैं आप उनको हमेशा कोशिश कीजिए हाथ से दबा के अंदर कर दीजिए, बाहर ना रहे, क्योंकि जब मसे बाहर रहते हैं तो उनमें इन्फेक्शन होने का डर रहता है और फिर दूसरी कॉम्प्लिकेशंस में वो कन्वर्ट हो सकता है जिसमें एक फिस्टुला भी है। सो दिस इज क्लियर पाइल्स। नाउ वी टॉक अबाउट फिशर। फिशर में क्या होता है, फिशर में एनल कैनाल के अंदर एक कट का होना, एक जख्म का होना, ये फिशर का एक पैथोलॉजिकल पैथोलॉजी, ऐसे मतलब ऐसे एक फिशर बनता है, एक कट का होना ये फिशर का एक मुख्य कारण है। और इसकी वजह से रोगी को कैसे पता चलता है, पेशेंट को पेन होना, एक्यूट पेन, मोशन मल त्याग के समय या मोशन जाते समय एक्यूट पेन होना, बहुत तेज जलन, दर्द होना, ये फिशर का प्रधान लक्षण है। इससे आप पहचान कर, इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि मोस्ट लाइकली आपको प्रॉब्लम फिशर की है, उसमें कोई मसला नहीं है। हाँ, ऐसा देखा गया है फिशर की अवस्था जब पुरानी हो जाती, क्रॉनिक पेशेंट्स, मतलब फिशर हुआ, वो जख्म भर गया, ठीक हो गया, फिर कभी हो गया, फिर ठीक हो गया, ऐसा अगर काफी लंबे समय तक चलता है तो फिशर लाइनिंग के नीचे वहां पे कुछ स्किन बाहर आ जाती है, जिसको जिसको लोग फिर कहते हैं कि पाइल्स है। वो मस्से की तरह दिखता जरूर है लेकिन उसका कारण फिशर होता है, और उसको हम सेंट्रल टैग कहते हैं, और वो बाहर की तरफ लटकता रहता है, और जब तक वो टैग नहीं निकलता तब तक वो फिशर पूरी तरह से ठीक भी नहीं होता है। नाउ वी कम टू द फिस्टुला। देखिए, पाइल्स और फिशर
के कॉम्प्लिकेशन के रूप में, के कॉम्प्लिकेशन के रूप में भी फिस्टुला हो सकता है अगर पाइल्स में इन्फेक्शन हो जाए, चाहे वो डॉक्टर कई बार इंजेक्शन देते हैं उसमें इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है फिस्टुला बन सकता है, या फिशर में जैसे मैंने बताया फिशर में एक जख्म हो गया, उस जख्म में अगर इन्फेक्शन हो करके वो बैक्टीरिया टिश्यू के अंदर चला गया, उसने पस बना लिया, तो पस ने निकलने का एक रास्ता बना लिया और वो फिस्टुला के रूप में दिखता है। तो फिशर का कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है, पाइल्स का कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है, या इंडिपेंडेंटली भी हो सकता है। देखिए अगर हम बात करते हैं कि फिस्टुला, ये तो बात हुई कि ये कैसे भिन्न कैसे है, इसी तरह मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जैसे मैंने बताया कि इसका पाइल्स की वजह से हो सकता है, फिशर की वजह से भी ये कॉम्प्लिकेशन के रूप में हो सकता है, ऐसे ही कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको बार बार लूज मोशन, कोलाइटिस हो गया, या अल्सरेटिव कोलाइटिस का एक टाइप अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या ऐसे पेशेंट जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से बार बार मोशन जाते हैं उनमें भी इसके फिस्टुला होने की संभावना बढ़ जाती है। जो पेशेंट जिनमें ब्लड शुगर हाई रहता है उनमें भी, देखिए इन्फेक्शन है, अगर इन्फेक्शन है और बॉडी इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग नहीं है तो इन्फेक्शन के बढ़ने के चांसेस हमेशा रहते हैं। तो डायबिटीज में हमारी बॉडी इम्यूनिटी कम होती है और फिशर जो कट है उसके अंदर अगर बैक्टीरिया चला गया, तो नॉर्मल अगर इंडिविजुअल है उसकी इम्यूनिटी अच्छी है तो उसने इन्फेक्शन कंट्रोल कर लिया, लेकिन अगर पेशेंट डायबिटिक है तो वो इन्फेक्शन बढ़ करके एब्सेस बनके फिस्टुला में कन्वर्ट हो सकता है। हमारे कई सवाल जो हैं टीनेजर्स में, बड़ी हैरानगी है कि टीनेजर्स में भी ये बहुत तेजी से फैलता जा रहा है, तो इसका कारण क्या है कि टीनेजर्स, हालांकि वो कहते हैं हम जिम भी जाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, अच्छी तरह से खाते पीते हैं, राइट, तो इसका लाइफस्टाइल और खाने पीने से क्या वो क्यों हो रहा है? देखिए आपने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा, मुझे ऐसा लगता है पहले ये आम धारणा हुआ करती थी कि पाइल्स फिस्टुला ये सब ना ओल्ड एज रिलेटेड बीमारियां, लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो रहा है। अब मैं खुद देख रहा हूँ कि ये जो अपना यूथ है, कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, इनमें भी ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और उसका कारण जैसा आपने बताया इट इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ अवर चेंज फूड हैबिट्स। अब लोग फास्ट फूड पे ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, रेडीमेड फूड्स पे डिपेंडेंट हो गए हैं, इन सब चीजों को छोड़कर जितना आप प्रोसेस फूड लेते हैं, प्रोसेस फूड जो है वो आपको नुकसान करता है, उस क्योंकि उसमें फाइबर नहीं होने से कॉन्स्टिपेशन होता है और कॉन्स्टिपेशन के बाद ही ये सारी प्रॉब्लम्स शुरू होती है। तो और फिर दूसरा एक कारण ये भी हो सकता है कि आजकल लाइफस्टाइल सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, लोग एक जगह पे बैठना, चाहे वो गाड़ी में बैठे हैं या ऑफिस में बैठे हैं, मूवमेंट्स बहुत कम हो गई हैं, लोग एक्सरसाइज वगैरह करना, वो चीज जो पहले प्रीवियस टाइम्स में लोग रनिंग वगैरह करते थे, एक्सरसाइज करते थे, दे आर मोर हेल्थ कॉन्शियस, वो आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में वो चैप्टर थोड़ा सा सिमट गया है एक्सरसाइज वाला पार्ट, तो दैट कुड बी द रीजन, उससे डाइजेशन डिस्टर्ब हुआ और ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम और फिर ये सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। टीनेजर्स में एक ग्रुप है जो आजकल बॉडी बनाने का है, जिम विम जाते हैं, तो ये पूछते हैं कि सर अगर वो फिस्टुला से ग्रस्त हैं क्या वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्पेशली वेट लिफ्टिंग? कहने का मतलब यह है कि जो एक्सरसाइज करते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम हो रही है, तो ठीक है वो एक्सरसाइज करते हैं, दैट्स गुड, बट वो एक्सरसाइज में भी बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। देखिए रैना जी मैं बताऊं आपको, जो वेट लिफ्टर्स ने आपने आपने जिक्र किया, जब वो वेट उठाते हैं ना तो कई बार क्या होता है कि वो एब्डोमिनल प्रेशर ना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और वो एब्डोमिन का प्रेशर जाकर के हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उन पे पड़ता है और ब्लड वेसल्स वो फिर फूल जाते हैं और फूलने के साथ में फिर वो धीरे धीरे पाइल्स का रूप धारण कर लेते हैं। दैट कुड बी द रीजन, अदरवाइज सेम रीजन फॉर प्रेग्नेंट लेडीज भी है, प्रेगनेंसी में भी क्योंकि फीटस का, बच्चे का प्रेशर मदर के डाउन, हाँ लोअर पोर्शन ज्यादा रहता है, तो वो वीनस रिटर्न जो है वो उतना ब्लड वापसी नहीं आ पाता, वीनस प्रेशर बढ़ता है और वो जो रेक्टल गुदा मार्ग की जो खून की नलियां हैं उनमें प्रेशर बढ़ने से धीरे धीरे फुलाव आ जाता है और वो पाइल्स का रूप धारण कर लेती है। तो इन दोनों स्थितियों में हम कैसे बच सकते हैं, बड़ा सिंपल सा इसका वो है फॉर्मूला कि दोनों स्थितियों में मैं बताऊंगा आपको, वेट लिफ्टर्स को भी और प्रेग्नेंट लेडीज में भी, एक तो कोई भी कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल कोई भी क्रीम को रेगुलर एनल कैनाल में मसाज करना चाहिए, जिससे अंदर का इंटरनल जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से बना रहे, ब्लड सर्कुलेशन की ही प्रॉब्लम है। तो और नंबर सेकेंडली क्या है कि अगर आपका कोई भी एक्सरसाइज करते हैं लास्ट में आप 2 मिनट के लिए स्फिंक्टर एक्सरसाइज जरूर करें, जिसे हम कील्स एक्सरसाइज भी कहते हैं, मींस कि आप स्फिंक्टर को कंट्रोल खींचे फिर ढीला छोड़ दें, कॉन्ट्रैक्ट करें फिर ढीला छोड़ दें, ये आप एक्सरसाइज करेंगे तो उसका जो सेडेंटरी जो इफेक्ट है, जो वहां पे कंजेशन है, वो कंजेशन काफी हद तक कम हो जाता है। बहुत सारे रोगी ऐसे भी हैं जिनका सवाल ये कि अगर अब फिस्टुला हो गया और उनका ट्रीटमेंट चल भी रहा,
तो क्या चीज नहीं करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसमें थोड़ा उनको गाइडलाइन चाहिए। देखिए फिस्टुला के रोग में जैसे पाइल्स में तो बहुत सारे हम डाइट का बताते हैं कि आप ये डाइट लो ये मत लो, लेकिन फिस्टुला के रोगियों में डाइट का ज़्यादा रोल नहीं है अच्छा बिकॉज इट्स एन इन्फेक्टिव पैथोलॉजी। तो आप नॉर्मल डाइट रखिए, नॉर्मल हेल्दी डाइट इज गुड, टेक लॉट ऑफ वेजिटेबल्स फ्रेश फ्रूट्स जिससे आपकी बॉडी इम्यूनिटी अच्छी रहे और इन्फेक्शन कंट्रोल में रहे, और अवॉइड दिस ऑल जंक फूड जंक फूड जो फैटी बाहर मिलता है फ्राइड ये रेडीमेड सारा में। अवॉइड कीजिए, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल रखिए। दिस विल दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प टू हील फिस्टुला, बट ये है कि कॉम्प्लिकेशंस इससे नहीं हो कुछ नहीं पाएंगी, है फिस्टुला तेजी से बढ़ेगा नहीं, तो ये चीजें तो रहती हैं। और इवन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑल्सो आपको ये रेजिमेंट फॉलो करना चाहिए, अच्छा खाना पीना, हेल्दी स्टाइल रखो, लाइफ स्टाइल रखो जिससे हीलिंग अच्छी रहे। ये हमारे इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को डॉक्टर की ज़रूरत ही ना पड़े। जी तो इस हिसाब से आप ये बताएं कि लाइफस्टाइल और कैसा हो या क्या खान पान रहे ताकि फिस्टुला में जाए हो ना ही ना, पेशेंट। हाँ अच्छा फिसला ये हो ही ना। अच्छा देखिए वो हो सकता है डॉक्टर्स के लिए अच्छा ना हो पर लेकिन नहीं, समाज के लिए अच्छा है और यह होना भी चाहिए। प्रिवेंटिव में तो मेरा अनुभव यही है जी कि पाइल्स फिसला फिशर ये जो भी गुदा में होने वाली कॉमन प्रॉब्लम्स हैं हाँ जी उन सब से बचने का उपाय जो है वो यह है कि आप रेगुलरली कुछ भी क्रीम या ऑयल रेगुलरली मोशन के बाद या आफ्टर टेकिंग बाथ आप एक बार जरूर मसाज करें मसाज करें जिससे आपकी एनल कैनाल जो कि जो म्यूकस लाइनिंग है वो हेल्दी हेल्दी मेंटेन रहे रहे, उसका सर्कुलेशन अच्छे से मेंटेन रहे और जल्दी बैक्टीरिया उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाता। जी म्यूकस मेम्ब्रेन अगर हेल्दी होती है तो वहाँ पे वियर एंड टियर नहीं होता, और होता भी है तो रिपेयर प्रोसेस से वो कवर हो जाता है, हील अप हो जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मोशन जब भी आप मोशन के लिए जाए न्यूज़पेपर लेके ना जाए, टेलीफोन लेकर के ना जाए, क्योंकि लोग जा करके वहाँ बैठ जाते हैं और उनको पता नहीं होता है, आधे घंटे 40 मिनट बैठे रहते हैं, स्ट्रेन करते रहते हैं अननोइंगली, और वो जा करके ये सारा ब्लड वेसल्स में प्रेशर बढ़ करके ये प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर साहब कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो सर्जरी तो छोड़िए क्षारसूत्र से भी डरते हैं। तो उन्होंने हमें कॉल किया कि इसमें कितना पेन होता है, ये ज़्यादा जी पेनफुल प्रोसीजर तो नहीं है। मैंने कहा चलिए अब टाइम है तो मैं ये सवाल भी हाँ शामिल कर हाँ लेता ठीक हूँ। बात है। अब देखिए डरना, इलाज तो करना ही है, एक ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर हम ऐसा कुछ नहीं कि आप ये तो क्लियर है कि दवाई खाने से ठीक खैर नहीं होता। सर्जरी जितना पेन तो नहीं है लेकिन फिर हाँ भी पेन देखिए ऐसा है, मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ, डर की बात आई है तो आयुर्वेद में क्लियरली मेंशन है कि कृश दुर्बल भीरुणाम नाड़ी मर्माशिता चाहिए क्षार सूत्रेण ताम छिंदात न तो शस्त्रेण बुद्धिमान। इट्स वेरी क्लियरली मेंशन कि ऐसे पेशेंट्स जो वीक हैं जो एप्रीहेंस डरते हैं और जिन जिनको या जो कि सर्जरी से डरते हैं और मानसिक रूप से भी बहुत डरते हैं, तो उन लोगों में सर्जरी की बजाय क्षारसूत्र चिकित्सा ही करनी चाहिए, मतलब दे हैव इंडिकेटेड। तो ऐसे सभी रोगी, ऐसे आपके जो व्यूवर्स जो सर्जरी से डरते हैं और ये सोचते हैं कि यार कुछ भी ना करना पड़े, तो मैं उनको बता दूं कि क्षारसूत्र चिकित्सा में पेन जिस दिन, बड़ी बड़ी सी क्लियर बात है, जिस दिन हम क्षारसूत्र चिकित्सा करते हैं द वेरी सेम डे यू कैन गो टू योर ऑफिस, कोई प्रॉब्लम चलो की बड़ी बात नहीं बात है। हाँ पेन कहाँ होता है मैं बता देता हूँ, मेडिसिन का इरिटेशन तो रहता है राणा जी, आपने एक क्षारसूत्र रखा हुआ है उसके अंदर, तो रखा वो मेडिसिन की जो इरिटेशन टिश्यू के साथ रहती है वो फर्स्ट 2-3 विजिट्स में रहती है, रहती है उसके बाद धीरे धीरे वो एडजस्ट हो जाता है, पेशेंट एकस्टम्ड हो जाता है, एंड इफ एट ऑल रिक्वायर्ड वो गर्म पानी का सेक वगैरह कर लेते हैं, कुछ ऑइंटमेंट्स लगाते हैं तो दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ, उससे वो काफी कुछ ठीक रहता ठीक है। रहता है तो ऐसी स्थिति नहीं है कि आपको बिस्तर पे लेटे रहना है, आप अपना काम वाम कर सकते हैं, अपना रूटीन ऑफिस वर्क कर सकते हैं, तो इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें कोई कटिंग नहीं है, आप कहीं पे सीजर या नाइफ यूज नहीं कर नहीं रहे करते हैं। बेसिकली जो ट्रैक एग्जिस्टिंग है हम सिर्फ उसी ट्रैक को के अंदर थ्रेड प्लेस कर रहे हैं, करते हैं नॉर्मल टिश्यू बिकॉज नॉर्मल टिश्यूज को हम जब छेड़ नहीं रहे हैं तो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ पेन और ब्लीडिंग, इट इज ओके ओनली द डिजीज पोर्शन विच वी आर डीलिंग विद। जितना कि वो दो दो साल साल 2 साल 3 साल पुराना ट्रैक होता है या 6 महीने पुराना ट्रैक होता है, तो इसे क्रॉनिक वुंड उसमें पेन होता ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने व्यस्त होने के बावजूद भी हमें अपना मूल्यवान समय दिया और बहुत ही लाभकारी थैंक यू सर जी। इन्फॉर्मेशन दी। नहीं और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों के सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आप हमें अपने सुझाव और सवाल भेज सकते हैं 9540339361 पे और हमें मेल भी कर सकते हैं info@mediaresearchacademy.com पे। अपने आसपास सफाई रखें, पानी बचाएं और पॉलीथीन को ना कहें। अगले रविवार फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें
हेल्थ कोच सिर्फ दिशा टीवी पर। नमस्कार।